गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को, जिसमें हमने सारे टाइप्स रेडॉक्स रिएक्शन के डिस्कस कर लिए थे। और आपसे कहा था मैंने कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को इस चैप्टर का, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम टू मैथड से बैलेंस करते हैं। दैट इज नंबर वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मैथड, या यू कैन से हाफ इक्वेशन मैथड, एंड द अनदर वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मैथड। तो इन टू मैथड की हेल्प से हम किसी भी अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन को इजिली बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है, हालांकि बहुत डिफिकल्ट लगता है कुछ बच्चों को, बट इसको इजिली हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको इजिली जो भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, अगर वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, तो ये जो आपके बैलेंसिंग है वो भी आपके लिए बहुत ही इजी टॉपिक होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास रहेगा टॉपिक जो रहेगा आज के लेक्चर का, वो रहेगा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहां पे हम ये कहेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो रहेगा, ठीक है, वो हम टू मेथड से करते हैं, बाय यूजिंग टू मेथड्स। और वो दोनों मेथड जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं आपके पास में हाफ इक्वेशन मेथड, जिसे हम एक और नाम से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, एंड अनदर मेथड जो हमारे पास होता है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, ये दो मेथड हमारे पास रहेंगे जो होंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। पहला होगा हमारे पास में हाफ इक्वेशन मेथड, एंड नंबर टू मेथड जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर। दोनों मेथड्स के लिए कुछ यूजफुल रूल्स हमारे पास होते हैं, उन्हें यूज करते हुए हमें किसी भी अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, दैट इज हाफ इक्वेशन मेथड। हाफ इक्वेशन मेथड, ठीक है, हाफ इक्वेशन मेथड का मतलब ये हो गया कि जो भी हमें अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन दी हुई है, पहले उसे आप दो हाफ इक्वेशन में डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसके प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए उसे बैलेंस करने का वर्क हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रूल्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी एक अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन को इजिली बैलेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। तो वो रूल्स कुछ इस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन इंटू हाफ इक्वेशंस। हाफ इक्वेशन इन विच वन ऑफ देम इज रिडक्शन एंड अनदर वन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, सबसे पहले जो हमें यहां पे वर्क करना है, वो वर्क क्या करना है, सबसे पहले कि जो हमें इक्वेशन गिवन है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। कौन कौन से पार्ट में, एक पहला पार्ट वो जहां पे आपका रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, एंड सेकेंड पार्ट वो जहां पर आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। चलिए मैं आपको इस रूल को एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरह से आपको इसे अप्लाई करना है। हमारे पास अगर कोई फॉर्मूला या हमारे पास में कोई अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन गिवन हो, सपोज कीजिए आपके पास एक रेडॉक्स रिएक्शन गिवन है Cr2O7 2-। ठीक है, इसे आपको गिवन है, इसके लिए आपको यहां पर Cr2O7 2+ जो गिवन है उसके लिए आपको यहां पर दिया हुआ है Cr3+7H2। ठीक है, यहां पे आपको इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन में अगर आप यहां पे देखेंगे, एक काम कीजिएगा, इक्वेशन जो आपको यहां पे गिवन होगी वो, चलिए मान लीजिए ये है Fe2+ से आपका चेंज हो रहा है ये Fe3+ में। सपोज कीजिए आपको ये इक्वेशन यहां पे गिवन है जो कि आपकी अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है। अब सबसे पहले इस अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन में आपको करना क्या है, टू इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक तरह से दो हाफ इक्वेशंस को हमें अलग अलग करना है,
एक जो हमारे पास होगी वो रिडक्शन रिएक्शन होगी और दूसरी जो होगी हमारे पास ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हमें पहले से ही फाइंड आउट करना आता है, ठीक है। अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट हैं तो हम इजिली इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए Fe2+ जो है वो आपका चेंज हो रहा है Fe3+ में। किसमें जा रहा है? Fe3+ में। 2+ से 3+ में मूव कर रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। सेम एज अगर मैं यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा? 2x- ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है इनटू 7 कितना आ गया? -14 इज इक्वल टू टोटल पे चार्ज कितना? -2। तो हमारे पास में कितना आ गया? 2x इज इक्वल टू माइनस का 14 तो लेके जाएंगे, प्लस का 14 हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा प्लस का 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का 6। प्लस 6 स्टेट यहां पर आपको गिवन है और ये चेंज किसमें हो रहा है? 3+ में। किसमें? 3+ में। तो प्लस 6 से 3+ में गया है तो यहां पर हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया आपका रिडक्शन। क्या हो गया है? रिडक्शन। तो हाफ इक्वेशन मेथड जब आपके पास होता है उसकी हेल्प से अगर आपको किसी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना होता है तो आप सिंपली क्या करते हैं? आप सिंपली जो भी आपके पास में अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन गिवन है उसमें से दो हाफ इक्वेशंस को सेपरेट कर लेते हैं, एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन। क्लियरली तो आपको क्लियरली यहां पर समझ में आया होगा कि Cr2O7 2- जो है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? Cr3+ में। ये तो हो गया आपका हाफ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। जबकि Fe2+ जो है वो चेंज किस में हो रहा है? Fe3+ में। ये वाली आपकी हो गई हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप हाफ इक्वेशन मेथड के अंदर फर्स्ट रूल जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे। गिवन अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन में आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कहां पर हो रहा है रिडक्शन, कहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, उन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रूल रहेगा, ठीक है। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर, नेक्स्ट एंड थर्ड फोर्थ रूल पे मूव करेंगे। चलिए हो गया। नेक्स्ट रूल जो हमारे पास होगा वो देखिए क्या रहेगा। अब आपका नेक्स्ट रूल रहेगा पर देन बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन इन गिवन हाफ इक्वेशंस, ठीक है। नंबर सेकंड रूल हमारे पास ये रहेगा कि जो भी हमारे पास में यहां पे इक्वेशंस गिवन है आपको, ठीक है, हाफ इक्वेशंस कौन सी है? हाफ रिडक्शन एंड हाफ ऑक्सीडेशन। उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स एज वेल आपको उनके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 हमारे पास क्या रहेगा? फॉर बैलेंस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। देखिएगा इंपॉर्टेंट है यहां पे कि हमारे पास अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल टूवर्ड्स ऑपोजिट साइड। क्या किया आपने? सिंपल सा है रूल कि अगर मान लीजिए इस साइड दो ही तो साइड होती है हमारे पास में, एक तो होती है रिएक्टेंट साइड और एक होती है हमारे पास प्रोडक्ट साइड। जिस भी साइड आपके पास में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, सपोज कीजिए इसी इक्वेशन में देखिए, इस तरफ हमारे पास में 7 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, उस तरफ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास में एक्स्ट्रा होंगे उसको बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइड में आपको उतने ही नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं, मतलब उस तरफ आप 7 H2O ऐड कर देंगे इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो हाफ इक्वेशन मेथड के अंदर हमें करना क्या है? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जितने ऑक्सीजन हमारे पास में एक्स्ट्रा है उतने ही ऐड कर देंगे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रूल रहेगा वो ये रहेगा फॉर बैलेंस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन। अगर हमारे पास में कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है तो
तो उन्हें बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर बैलेंस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एड सेम नंबर ऑफ, यहां पे भी लिखिएगा एड सेम नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ एच प्लस आयन टूवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट साइड। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तो हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही नंबर ऑफ एच टू मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही नंबर ऑफ एच प्लस आयन को ऐड कर देंगे। ये दो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रूल होते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल है, फर्स्ट हम करेंगे हाफ इक्वेशन मेथड में, जो भी इक्वेशन हमें गिवन है उसमें हमें दो हाफ इक्वेशंस को सेपरेट करना है। ठीक है, क्या करना है, दो हाफ इक्वेशन मेथड्स को, यानी एक उस रिएक्शन को सेपरेट करना है जिसमें रिडक्शन हो रहा है, एक उसको जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, देन सेपरेट करने के बाद उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स को बैलेंस कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होते हैं उनको बैलेंस करना है बाय एडिंग सेम नंबर ऑफ एच टू मॉलिक्यूल टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन, एंड उसके बाद हमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को बैलेंस करना है एच प्लस आयन को ऐड करके, उतने ही एच प्लस आयन को ऐड करेंगे टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा, देखिएगा इसके जस्ट नेक्स्ट रूल हमारे पास जो रहेगा इसको बैलेंस करने के लिए वो रहेगा, देन एड हाफ इक्वेशंस। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमने हाफ इक्वेशंस को सेपरेट किया था उनको वापस से कर देंगे एड, एंड देन बैलेंस अगेन नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इक्वेशन। ठीक है, और हाफ इक्वेशंस को ऐड करने के बाद वापस से उस इक्वेशन में अगर आपके नंबर ऑफ एटम्स या इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस्ड है तो उन्हें वापस से बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स रहेंगे हमारे पास में जिनकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, हाफ इक्वेशन मेथड यानी ये के रूल्स जो है इनकी हेल्प से किसी भी अनबैलेंस्ड प्रोडक्ट रिएक्शन को इजीली बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, अब फटाफट से हम इन्हीं रूल्स को फॉलो अप करते हुए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपके लिए। ठीक है, जिससे आपको और भी आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजीली क्लियर हो पाएंगे, साथ में आपको ये रूल्स हैं वो भी इजीली क्लियरिफाई हो पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यही वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, क्या करना है हमें, अब हमें इन रूल्स को फॉलो करते हुए एक अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन जो उसको हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन वही वाली लेते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव हमारे पास गिवन है, इसके रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ में, Fe2 प्लस आयन के साथ, तो हमारे पास क्या बन रहा है Cr3 प्लस आयन प्लस हमारे पास बन रहा है Fe3 प्लस। सबसे पहले इंप्लीमेंट करना आपको रूल नंबर 1, और वो रूल नंबर 1 क्या था आपका, कि आपको इस गिवन अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन में आपको सेपरेट करना है हाफ इक्वेशंस को, रेडॉक्स रिएक्शन को और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। देखिएगा Fe2 प्लस से Fe3 प्लस सीधे सीधे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, क्या हो गया है ऑक्सीडेशन, ये आपकी हो गई हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैंने इसका स्टेट अभी निकाल के दिखाया था आपको, +6 आ रहा है, इसका +3 है, तो यहां से यहां जब हम मूव कर रहे हैं तो ये हो रहा है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने जो गिवन अनबैलेंस रिएक्शन थी उसको हमने टू हाफ इक्वेशंस में डिवाइड कर लिया है। पहला हमारे पास है हाफ रिडक्शन रिएक्शन, कौन सी है हाफ रिडक्शन रिएक्शन, कौन सी है हाफ रिडक्शन रिएक्शन, हमारे पास है Cr2O7 2 नेगेटिव जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस में। इसके बाद हमारे पास रूल नंबर 2 ये था कि अब आपको दोनों हाफ इक्वेशन मेथड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल आपको नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, इस साइड हमारे पास में क्रोमियम कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 है, और उस साइड हमारे पास में क्रोमियम कितना है, ओनली 1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, क्या बन जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू 2 Cr3 प्लस, सिंपल। ठीक है,
तो इस तरह से आपके दोनों तरफ के एटम्स जो है क्रोमियम के वो बैलेंस हो गए। अब जो बैलेंस नहीं है वो कौन नहीं है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक रूल मैंने आपको अभी लिखवाया था, वो क्या था कि जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके ऑक्सीजन के होंगे, इसे बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे। कितने ऑक्सीजन है आपके टोटल, आपके पास 7, तो वहां पर आप 7 H2O मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये रूल नंबर 3 है आपका कि ऑक्सीजन जो हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतने ही नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देते हैं। तो वहां पे मैंने 7 H2O ऐड कर दिया है, ठीक है। अब चेक करते हैं, 7 ऑक्सीजन इस तरफ है, 7 ऑक्सीजन उस तरफ भी हो गए आपके बैलेंस, लेकिन इस तरफ देखिए आपके हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 14, और इस तरफ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब अब आपके हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब आपको रूल नंबर 4 पे जाना है। आपका रूल नंबर 4 ये था कि आपके एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उतने ही सेम नंबर ऑफ H+ आयन आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या बनी, Cr2O7 2- नेगेटिव प्लस 14 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा थे, तो 14 H+ आयन मैंने इसके इस साइड में ऐड कर दिए हैं, प्लस 7 H2O। अब चेक कर लेते हैं आपके नंबर ऑफ एटम्स तो बैलेंस हो गए हैं। देखिए, 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, 14 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन है, ये तो हो गया बैलेंस, ठीक है। अब देखिए, 1 क्रोमियम जो है वो 3+ आयन यहां पे दे रहा है आपको, तो 2 क्रोमियम कितने देंगे, 6+ आयन, यानी टोटल इसे रिड्यूस करने के लिए आपको 6 इलेक्ट्रॉन की नीड है। सिंपल रिडक्शन रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं यहां पर कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है आपके पास में, 1 क्रोमियम पे 3+ आयन का गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो 2 क्रोमियम पे कितना जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। सिंपल, यानी कि प्लस 6 से आपका ये मूव कर रहा है प्लस 3 पर, देखिएगा कितने पे मूव कर रहा है, प्लस 3 पे। तो प्लस 6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और प्लस 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, मतलब यहां से वहां तक आपके 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन आपके केवल 1 मोल क्रोमियम पे है, जबकि यहां पे कितने मोल क्रोमियम है आपके पास में, 2 मोल क्रोमियम है। तो 2 मोल क्रोमियम के लिए 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो आप क्या करेंगे, Cr2O7 2- नेगेटिव प्लस 14 H+ आयन इसके अंदर ऐड कर देंगे आप कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे रिडक्शन, तो इसका मतलब ये हाफ रिडक्शन रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है, 2Cr3+ + 7H2O। ये जो आपके हाफ रिडक्शन रिएक्शन है यहां पे बैलेंस हो गई है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस हो गए हैं, एज वेल इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गए हैं आपके, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नंबर 2 पर। जो नंबर 2 हमारे पास है वो कौन सी है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हमें इसको बैलेंस करना है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हमारे पास में है वो क्या, आपकी Fe2+ जो है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, Fe3+ में। जब Fe2+ Fe3+ में जा रहा है, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब यहां से यहां तक मूव करने के दौरान टोटल 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये तो हम कह रहे थे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे Fe2+ या Fe3+ में, बट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू बी लूज्ड, यहाँ पे आपका ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ठीक है। सो यू कैन से 1 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपको ऑलरेडी ये नॉलेज है, मैं आपको ऑलरेडी ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका हूं कि जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब सिंपल सा ये है कि ये खुद तो होते हैं सेल्फ, क्या होते हैं ऑक्सीडाइज, यानी सेल्फ क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव। जब सेल्फ इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एडिशन करेंगे। हमने देखा कि इसके अंदर रिडक्शन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 6। कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 6 इलेक्ट्रॉन की नीड है। एक बार वापस समझने की कोशिश करते हैं, Fe2+ से ये मूव कर रहा है Fe3+ में, इस दौरान केवल 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा वो किसे सप्लाई करेगा, क्रोमियम को, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन की नीड है। इसका मतलब क्रोमियम पे जो रिडक्शन हो रहा है वो कौन कर रहा है, Fe। दैट्स व्हाई Fe को हम क्या कह रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम इतनी सी है
कि इसको रिड्यूस होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की नीड है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ये केवल एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कितना कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और उसको नीड कितने की है, 6 की। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, ऑब्वियसली इस होल इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 6 से, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास कितना हो गया, 6Fe2+ कन्वर्ट इंटू 6Fe3+, और मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहां से लॉस कर दिए, वो 6 इलेक्ट्रॉन मैं अब इसको डोनेट करने के लिए कैपेबल हूं, और मेरी रिडक्शन और ऑक्सीजन रिडक्शन आराम से पॉसिबल हो पा रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका हाफ रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस, और ये हो गया आपका हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हम दोनों इक्वेशन को वापस से एड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए Cr2O72 नेगेटिव प्लस 14H+ आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6Fe2+। देखिए रिएक्टेंट रिएक्टेंट जो थे ना, 1, 2, 3, 4 मैंने एक साइड लिख दिए हैं। अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैं एक साइड लिख देता हूं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या आपके पास में, 2Cr3+ प्लस 7H2O प्लस 6Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन जो आपके पास यहां पर है, उस 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और कोई चीज जो कैंसिल हो रही है, कोई नहीं हो रहा। तो आपके पास में ये फाइनल इक्वेशन क्या जाएगी, फाइनल हमारे पास में यहां पे इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, क्या बन रही है, Cr2O72 नेगेटिव प्लस 14H+ आयन प्लस 6Fe2+ कन्वर्ट इंटू 2Cr कन्वर्ट इंटू 2Cr3+ प्लस 7H2O प्लस 6mol Fe3+। ये हमारे पास फाइनल बैलेंस इक्वेशन आ चुकी है, देखिएगा। अब इसमें आराम से चेक कर सकते हैं आप, क्रोमियम के कितने एटम्स है, 2। क्रोमियम कितने एटम्स है, 2। ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7। हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 14। 6Fe, 6Fe, मतलब नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली पता है, हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे इसको रिड्यूस करने के लिए, और 1 mol Fe 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो 6 mol Fe 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में इक्वेशन जो थी अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, वो आपकी बैलेंस हो चुकी है बाय यूजिंग हाफ इक्वेशन मेथड। बड़ा सा इजी सा ये मेथड आपके पास में है, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपके लिए सॉल्व कर दिया है, एक एग्जांपल मैं और सॉल्व कर देता हूं आपके लिए यहाँ पे, ताकि आपके और भी अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देकर जाऊंगा जिसे आपको बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। चलिए हो गया, एक और एग्जांपल हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसके बाद में, और इसके बाद मैं आपको एग्जांपल देकर जाऊंगा जिसका आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर देंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक और इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पे चलिए गिवन है आपको, दैट इज MnO4 नेगेटिव, और इसके रिएक्शन जो हो रही है वो हो रही है आपकी किससे, Fe2+ के साथ अगेन, ठीक है। इस रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट जो आपको गिवन है वो गिवन है Mn2+ आयन प्लस Fe3+। अगेन हमें यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन गिवन है, अगेन हमें सबसे पहले इस पे रूल नंबर 1 अप्लाई करना है, हाफ इक्वेशंस, यानी कौन सी रिएक्शन आपके यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है, सबसे पहले वो फाइंड आउट करना है। कर लीजिए, Fe2+ से Fe3+ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हो रहा है आराम से। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है यहाँ पे, कितना हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हो गया आपका हाफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक काम करते हैं, मैग्नीज की स्टेट निकालते हैं, x ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, -2 × 4 कितना हो गया, -8 हो गया, इज इक्वल टू पे -1 चार्ज है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास में, +7 आ गई, ठीक है। अब ये +7 से आपका +2 पे जा रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और इस बार हमारे पास वो प्रॉब्लम भी नहीं है, मैग्नीज यहाँ पे भी 1 ही है और यहाँ पे भी 1 ही है, इसका मतलब यहां से यहां तक आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, 5, जबकि लॉस यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है।
ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब कह सकते हैं इसे क्या, रिडक्शन रिएक्शन। काफी कुछ तो हमें देख के पता लग जाता है रिएक्शन में कि हमें किस तरह से इसको बैलेंस करना है। ठीक है, चलिए रूल्स तो केवल एक फंडामेंटल बनाए गए हैं, बाकी तो आराम से वैसे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपको सबसे पहले कौन सी रिएक्शन पिक करनी है, मान लीजिए कि हाफ रिडक्शन पिक करनी है, ये ले लीजिए आपने हाफ रिडक्शन। इसके नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने, सबसे पहले तो देख लीजिए MnO4 नेगेटिव चेंज इनटू Mn2 प्लस। ऑब्वियसली मैग्नीज का इसमें भी एक ही एटम है, इसमें भी एक ही एटम है, तो ऑलरेडी बैलेंस है। बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, फोर ऑक्सीजन है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट साइड में हमें 4 मोल H2O ऐड कर देना होता है। ठीक है, 4 H2O ऐड करने के बाद भी उधर 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, उस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें उतने ही नंबर ऑफ H प्लस आयन इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देने हैं। तो MnO4 नेगेटिव प्लस कितने हाइड्रोजन, 8 H प्लस आयन ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा Mn2 प्लस प्लस 4 मोल ऑफ H2O बन गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है अपन को। ठीक है, तो हमें पता है, यहां से पता लग रहा है साफ साफ कि प्लस 7 से ये मूव कर रहा है प्लस 2 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको रिड्यूस होने के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि आपको 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड कर देने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास में हो गई है बैलेंस, कौन सी रिएक्शन हो गई है, हाफ रिडक्शन। नंबर 2 पिक करनी है आपको हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन सी, हाफ ऑक्सीडेशन। तो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब आप यहां पे लेंगे, कैसे लेंगे आप, कैसे लेंगे, जो आपके पास में है कौन सी वाली है, Fe2 प्लस है, चेंज हो रहा है Fe3 प्लस में। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे Fe2 प्लस से या Fe3 प्लस में अगर गया है, तो यहाँ पे आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहां से रिमूव हो रहा है। हमें कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको रिड्यूस करने के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन की। दैट मीन्स इस होल इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। ऑब्वियसली अगर एक मोल Fe एक मोल इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, वी रिक्वायर 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 6 की होती रिक्वायरमेंट तो 6 से करते, 4 की होती तो 4 से कर देते, बिकॉज एक मोल एक तो दे रहा है आपको। ठीक है, समझ रहे, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 मोल Fe2 प्लस है आपके पास में, और ये चेंज किसमें हो रहा है, 5 मोल Fe3 प्लस में, जिससे आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और जो ये 5 इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव हो रहे हैं वही 5 इलेक्ट्रॉन को दिए जा रहे हैं। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, तो आपके पास में बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी, MnO4 नेगेटिव प्लस 8 H प्लस आयन, और इधर साइड में आपके पास में 5 मोल Fe2 प्लस है, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा क्योंकि वो रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा आंसर में, आपके पास बन जाएगा Mn2 प्लस प्लस 4 मोल H2O प्लस 5 मोल Fe3 प्लस। इस तरह से आपके पास में ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस्ड। अब इसमें आप नंबर ऑफ एटम्स एज वेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब काउंट कर सकते हैं। देखिए ये प्लस 5 से मूव कर रहा है प्लस 2 में, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, मैग्नीज का एक एटम है, एक एटम है, ऑक्सीजन के 4 है, 4 है, हाइड्रोजन 8 है, 8 है, और Fe के 5 मोल है, 5 मोल है, तो आपके नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हम हाफ इक्वेशन मेथड से इजीली किसी भी एक अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन को इजीली हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक दो एग्जांपल आपको अब देके जा रहा हूं एज ए होमवर्क, उनके आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर डाल देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा Cr2O7 2 नेगेटिव हमारे पास में है, और इसकी रिएक्शन हमें करवानी है टिन 2 प्लस के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा Cr3 प्लस प्लस टिन 4 पॉजिटिव। सोचना पड़ेगा आपको कि इस बार आपके पास में एक टिन का मोल जो है ना वो 2 प्लस से 4 प्लस में जा रहा है ना, दैट मीन्स ये हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप इसे बैलेंस करके इसको बैलेंस कर दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं यहाँ पे, वो ले सकते हैं आप MnO4 नेगेटिव प्लस, इसमें आप एड करेंगे चलिए 2 आयोडीन नेगेटिव ले लीजिएगा। ठीक है, यहां पे बनेगा Mn2 प्लस प्लस I2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को आप बैलेंस करेंगे हाफ इक्वेशन मेथड की हेल्प से, और जो भी आपके पास में बैलेंस होकर इक्वेशन बनती है
उसका आंसर आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया हमारा फर्स्ट मेथड दैट इज हाफ इक्वेशन मेथड, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेने वाले हैं सेकंड मेथड को दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, ठीक है बच्चों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट करते रहिएगा, मोटिवेट करते रहिएगा, जिससे आपके पास न्यू न्यू वीडियोस आपके पास आते रहे। एज वेल ट्राई करेंगे हम इसी सेशन में कि आपका 11 का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।